एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले चार दिनों से जो है यहां पर आतंकी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं और एकदम से जो है यहां पर आतंकी घटनाओं में जो है इजाफा देखने को मिला है। इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है। प्रधानमंत्री को प्रदेश की सुरक्षा संबंधी स्थिति और सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की पूरी जानकारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से सशस्त्र बलों की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी गई। ज्ञात रहे कि पिछले चार दिनों में डोडा में दूसरा और प्रदेश में ये चौथा हमला था। 9 जून को आतंकवादियों ने रियासी जिले में एक बस में श्रद्धालुओं पर हमला किया था और उसके बाद कठुआ और डोडा में ऐसे ही आतंकी हमले देखने को मिले। हालांकि एकदम से इस तरह से आतंकी हमले देखने को मिलना कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन प्रशासन की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो वो स्थिति का जो है पूर्ण रूप से जायजा ले रहे हैं और स्थिति का आकलन करने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।